ये सब फेक प्रेगनेंसी का नाटक था। हम सब ने आपसे झूठ बोला था। आप बाहर आके अपने ताने को डांट लीजिए, लेकिन प्लीज बाहर आ जाइए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इसी घर में देव की दूसरी शादी होगी, देव सहरा भी बांधेंगे और फेरे भी लेंगे। ये क्या हुआ? लगता सांप ने काट लिया। अगर आपको राजा साहब को बचाना है तो आपको खुद रानी साहिबा इनको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। आए, भूख लग रही है। ये लो मम्मी, खाना खा लो। ले, सबकी नजर से खाना बचा कर लाई हूँ मैं। हैं? हाँ? पर क्यों? अरे सब सदमे में गुस्से है, कोई खाना नहीं खा रहे, तो हम उनके चक्कर में क्यों मरे। हाँ ये भी सही है, खा ले तू भी। नहीं मुझे नहीं खाना। ये तान्या भी ना हद कर दी इसने, बाय गॉड। हैं? मेरी तो सारी मौज ही खराब कर दी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, किसकी झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा खोलूंगी सुमित्रा पैन जी के सामने जाके। लेकिन नहीं है, सुमित्रा पैन जी के सामने अगर मैं इसका पांडा फोड़ देती ना, तो पैन जी ने ये देव और तान्या को ना कार से बाहर निकाल देना था, और उसके बाद मेरी लाडो तो इस कार की महारानी बन जाना था। पर नहीं, तान्या को तो वो सच बोलने की तुम भी बजानी थी है, और उसने तो पूरी मेरी मौज ही खराब कर दी है अब। अरे मम्मी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ? इस घर में और एक तमाशा होने वाला है, पता है कौन सा? कौन सा? देव भैया की दूसरी शादी। खसमानु खानी है, तमाशा नहीं, स्यापा पड़ने वाला है हमारी जान को, तमाशा होने वाला है। लेकिन कैसे? हाय हाय मेरी लाडो, तू बहुत बोली है, बहुत सीधी है तू। देख तान्या जो थी ना वो तो बड़ी सीधी थी, मारे इशारे पे कठपुतली की तरह नाचती थी, पर वो नई वाली लड़की, मैंने तो पहले ही फीलिंग आ गई थी अगर वो चंट हुई तो है, उसने तो ना नगाड़े की तरह बजा देना हम दोनों माँ बेटी को, है तमाशा होने वाला है। अब हम क्या करेंगे अगर उसने घर से बाहर निकल दिया तो? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए देव की दूसरी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, करती हूँ मैं कुछ, तू चिंता मत कर, दाल खा। नहीं मुझे नहीं खाना है। थोड़ा सा तो खा ले। नहीं मैं डाइट पे हूँ। See this one and oh हाँ, चीमास के यहाँ पर शादी है ना कल, so make sure that all the beauticians reach on time, okay? Hi Mrs. Biani, how are you Akira Shakira? Hi sir, how are you? आप तो लेकिन मुंबई में थे ना? जाने वाला था, लेकिन वहाँ का एग्जीबिशन थोड़ा डिले हो गया, तो सोचा कि क्यों ना अपने आप को थोड़ा प्यार कर लिया जाए, इसलिए अपने सेशन के लिए आ गया। अकीरा सृष्टि से कहो कि सर के सेशन को एक्सक्लूसिवली कंडक्ट करें। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। बाय द वे मिसेस बियानी, आज मेरा लास्ट सेशन है, मेरा आखिरी दिन, और अब तो आप मेरी को ब्लॉगर है नहीं, सो नो कनेक्शन, नो फ्रेंडशिप, नो कीपिंग इन टच। वो मुंबई वाला ऑफर अभी भी है, लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वरना उस दिन की तरह आप फिर से गुस्सा हो जाएगी। I'm so sorry पुष्कर, I don't know why, पर उस दिन मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया ना। It's all right, मैं समझता हूँ, don't mind me, but मैं समझता हूँ कि इंसान उसी पे गुस्सा होता है जिसे वो अपने सबसे ज्यादा करीब समझता है, जिसे वो प्यार करता है, लेकिन आपके केस में ये अप्लाई होना जरूरी नहीं है, और इससे पहले कि मैं फिर से आपके गुस्से का शिकार हो जाऊं, चलता हूं, पता नहीं फिर कभी जिंदगी में मिले ना मिले, तो एडियोस। हाँ आपा तो सब ठीक है, अनिकेत मेरे साथ ही रहता है। ना ना, वो पुलिस वाले इंसिडेंट के बाद चीनू ने अपने तरफ से तो कोई स्टेप नहीं लिया, बट यू नेवर नो, ही कैन एनी टाइम मसल मी आउट। अनेक पैसा और काचे, अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके वो चाहेगा ही कि अनिकेत की कस्टडी उसे मिल जाए, लेकिन अभी एक तो बड़े कथा बोलिए, ओके? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? आप दोनों इतना
टेंस क्यों दिख रहे हो? अकु, आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर किसी ने ये एड छपवाया है। इस शाह से मिट जाएगी तेरी पहचान, रह जाएगा खून के धब्बे का निशान। मैम, मुझे लगता है ये एड हमें डायरेक्ट थ्रेट है। यू आर राइट। ये सेंटर में रेड है, जो कि हमारा लोगो है, रेड स्पॉट का लोगो, जो कि मकड़ी ने अपने जाल में फंसा के रखा है। मतलब रेड स्पॉट को मकड़ी ने अपने जाल में फंसा के रखा है, बल्कि उसका खून भी करने जा रहा है। वेरी क्रिएटिव। तुम्हें मजाक सूझ रहा है, कोई हमें इनडायरेक्ट थ्रेट कर रहा है। ये जो भी है बहुत बड़ी पार्टी है, तभी तो इतने बड़े न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे इतना बड़ा ऐड, ताकि ताकि हम इसे नोटिस करें। संध्या जी, हम एनजीओ चलाते हैं, थ्रेट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मुझे आदत हो चुकी है, बेहतर होगा आप लोग भी आदत डाल दीजिए। स्टिल मैम, ऑन फेस इतना बड़ा थ्रेट। हमें जानी इटा के गुड़े छे। आई मीन आई थिंक आई नो कि किसका क्या धारा है। किसका? शशि बर्मन। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के सामने रेड स्पॉट सारा काला चिट्ठा उनके सामने रखूंगा। लेटली वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, तो जाहिर सी बात है वो और उसके फॉलोअर्स हमसे किसी भी तरह से बदला लेना चाहेंगे। आफ्टर ऑल उसके पॉलिटिकल इमेज, करियर मेरे वजह से खराब हुआ ना। पर कोई नहीं, रेड स्पॉट इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। औरत के रास्ते ऐसा कोई भी शैतान आएगा, रेड स्पॉट उसका ऐसे ही विनाश करेगा। चलो आधी अंदर चलते हैं, डॉक्टर ने तुम्हें प्रिकॉशन के लिए आराम करने के लिए कहा है। श्या, प्लीज थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलें। लॉन्ग ड्राइव? आधी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आधी, आपको सांप ने काटा था, डॉक्टर ने आपको एंटीवीनम के इंजेक्शन दिए। आपको आराम करना चाहिए, चलिए अंदर चलते। चलिए। हमें पता है आप ऐसा कर क्यों रही हैं। आपको ये जगह ही नहीं पसंद आ रही? हाँ, नहीं पसंद हमें ये जगह। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई हमें चारों तरफ से नजरें गड़ाए देख रहा हो। हम अभी इसी वक्त यहाँ से जाना चाहते हैं। आदि आदि, किसी ने हमारे बिस्तर पर सांप फेंक दिया। श्या, ये फार्म हाउस है, पर यहाँ दो चार सांप घूम रहे होते हैं। ऊपर से खुली छत है, और आप इसमें भी साजिश समझ रही हैं। स्टिल आदि, ये कैसी जगह है, यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं आना चाह रहा था। आदि, अगर आपको कुछ हो जाता तो। श्याब, रात का वक्त था इसीलिए डॉक्टर नहीं आया, सुबह होती तो शायद आ भी जाता। चलिए श्याब, अंदर जाकर लेटते हैं, पूरी रात आप नहीं सोई, थक गई होंगी। माता जी, अगले महीने शादी का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, इसके लिए अभी आपको एक से दो महीने इंतजार करना होगा। पंडित जी, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। फिर से मैं देखता हूं एक बार।
अगर आप तैयारी कर सकती हैं तो कल का ही एक शुभ मुहूर्त है। हाँ तो फिर ठीक है पंडित जी, कल कर देते हैं शादी। आप अपने एंड से पूरी तैयारियां कर लीजिए। जी अवश्य। अच्छा तो ठीक, हम चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। बधाई हो मम्मी जी। मैं लड़की वालों को फोन करके आती हूँ, उनको भी तो तैयारियां करनी होंगी ना। मैं भी आई। बोलो, यही तो टाइम है, शादी भी फिक्स हो गई है। बोलो। मम्मी जी आप क्या कर रहे? शादी कैसे हो सकती है? मम्मी जी, थानिया दीदी को रहते हुए देव भैया दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये तो इलीगल है ना? ये हमारे घर परिवार का मामला है और यहाँ पर कानून की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब तानिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तब तुम दोनों बीच में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो? फिर भी मम्मी जी, बिना डिवोर्स के दूसरी शादी, वो भी 2017, वो भी ऐसे घर में जहाँ हम सब पढ़े लिखे। मम्मी जी टू मच है, हम सब प्रॉब्लम से फंस सकते हैं। जब तक तान्या को कोई आपत्ति नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी ये शादी तान्या की मर्जी से हो रही है, इसलिए ना ही कोई कंप्लेन होगी और ना ही कोई पुलिस केस होगा। ठीक है, हमें जो लगा वो हमने कहा, आगे तो आप ही की मर्जी रहेगी, लेकिन मुझे और जतिन को इन सब मामलों से दूरी रखना। मेरे साथ तान्या है, इसलिए मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं। अब ये क्या कर रही है? आदि, अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकते। श्रेया, आप बेफालतू ओवर एक्ट कर रही हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। आदि, उस सांप का अचानक से हमारे ऊपर गिर जाना वो कोइंसिडेंस नहीं था। आपको रुकना है, आप रुकिए, हम अभी और हाइनेस को कॉल लगा रहे हैं, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। श्रेया, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर योर हाइनेस को पता चल गया, बेफालतू परेशान होंगे। किसी भी हालत में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सांप ने काटा है। ठीक है, फिर अब आप ही बताइए हम क्या करें। आदि, आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे हैं। ये जगह हमें बहुत सफोकेटिंग लग रही है। आदि, हमें अंदर से वाइब्स आ रहे हैं कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली आपके लिए सेफ है? श्रेया, शायद ही आप भूल गई हैं कि केटी ने क्या कहा था। श्रेया, ये घर हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, इसीलिए तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने हमें यही घर रिकमेंड किया। अभी दिल्ली जाना खतरे से खाली नहीं। श्रेया,
दिल्ली जाना आपकी जान के लिए बहुत खतरा है और हम आपकी जान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये देखिए माताजी, ये मार्केट में लेटेस्ट है। मम्मी जी, ये दुल्हन के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, है ना? भैया जी, आप इसके साथ एक हैवी दुपट्टा मैच कीजिए। हाँ सोना, तुम भी अपने और बच्चों के लिए कुछ पसंद कर लो। कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ भी पहन लेंगे। नीतू प्रीतू क्या पहनेंगे? चाची हमें नए कपड़े क्यों मिल रहे हैं? चाचा, हम लोग नए कपड़े क्यों पहन रहे हैं? वो देव चाचू की शादी है ना, इसलिए। पर देव चाचू की शादी तो तानिया चाची से हो गई है ना, फिर वापस क्यों हो रही है? भैया जी, आप कपड़ों का दूसरा थान लेके आइए ना। जी बहन जी। दादी दादी, आप बताओ ना, चाचू की शादी फिर से क्यों हो रही है? लो, जवाब दो। कोई जवाब है आपके पास? अच्छा, नई ड्रेस कौन पहनेगा? जाओ जाओ तुम लोग रूम में, मैं नई ड्रेसेस लेके आती, फिर ट्राई करेंगे, ठीक है? अब ऐसे ही दूसरी शादी वाले संस्कार पढ़ने मेरे बच्चों को इस घर में, पता नहीं कैसे पल पड़ के बड़े होने वाले। माया को फोन करती हूँ, उससे बातचीत करके थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। आदि, हमारा फोन कहीं देखा क्या, मिल नहीं रहा है। नहीं, ध्यान से ढूंढिए, यही कहीं होगा। मोबाइल लास्ट टाइम कहाँ यूज किया था? कार में छूट गया होगा। आदि, शायद हमारा फोन गाड़ी में छूट गया, हम लेकर आते। श्रेया, आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरी पर्स में फोन।